तमाम उपस्थित अतिथिगण, गांव से आए हुए देवियों, सज्जनों तथा प्यारे बच्चों, आपका आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के सेमिनार के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर एस के मेहता, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला तथा यहां पहुंचकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो तथा केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर, आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किए हुए विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल होने का मान प्राप्त है। आपके नाम पर 2 पेटेंट, रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में 376 पब्लिकेशंस और 25 से अधिक बुक्स और चैप्टर्स के अंदर के ऑथर हैं। आप अनेक बार बीएसटी, सीएसआईआर और यूजीसी नेशनल कमेटी के मेंबर भी नियुक्त किए जा चुके हैं। आपको रिनाउंड DAAD और JSDS फेलोशिप्स के अलावा ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑथर्स अवार्ड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड और अनेक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कोलाइडल केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतिहास एवं संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। इतिहास एवं संस्कृति से ही उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे कोई समुदाय अपने आदर्शों तथा जीवन मूल्यों का निर्धारण करता है। इतिहास से हमें पता चलता है कि हम कहां से आए, हमने अपने समय के साथ कैसे प्रगति की है, हमने किन चुनौतियों का सफलताओं से सामना किया है। इतिहास से हमें अतीत की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, जिससे हम वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। हमारे देश में कई समुदाय हैं, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है दर आर्यन समुदाय, जो कि लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस इलाके के तमाम गांव जैसे कि दा, हानु, गारकोन, दार्चे, गुरकुर्दो, चुलिचा, सरचे में दर्द आर्यन समुदाय के काफी संख्या में लोग रहते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के समय इसी क्षेत्र के लोगों ने कारगिल लड़ाई के दौरान यहां आर्मी की बहुत ही मदद। वर्तमान समय में दर्द आर्यन लोगों की संख्या कम हो रही है और भाषा भी कम होती जा रही है, यहां तक कि संस्कृति को भी समर्थन देने की जरूरत है। इसलिए भारतीय सेना के टाइगर हिल ब्रिगेड ने आज इस सेमिनार के माध्यम से दर आर्यन समुदाय के इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। आज के सेमिनार में पहुंची हुई उच्च कोटि की शख्सियतों को द्वारा आपको दर आर्यन समुदाय के स्वर्णिम इतिहास तथा संस्कृति से अवगत कराया जाएगा, जिनमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा श्री ताशी नामग्याल जी से। आपकी योग्यता एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड है। आप अजीना गांव के महान इतिहासकार हैं। आप वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो के लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 30 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ले जिले के सुदूर इलाकों में पढ़ा रहे हैं। आपको वर्ष 2011 से 2020 में जिला स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में आपने मिलेनियम एजुकेशन फाउंडेशन के भारतीय विद्या भवन भारत दिल्ली द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वेबिनार गिलगित अजूर इन द क्राउन ऑफ इंडिया में भाग लिया। आप अचीना रॉक
आर्ट एंड म्यूजियम जो कि अचिनाथान में है के क्यूरेटर भी हैं। कृपया श्री ताशी नामगेल जी कृपया मंच पर आकर हमें दर आर्यन माइग्रेशन और अर्ली सेटलमेंट इन आर्य वैली ऑफ लद्दाख से अवगत कराएं। वो झूले कहना था हमारे जबान में झू जानवर कहते हैं हमारे जबान में जो है। तो मैं एक पोइट्री से शुरू करूंगा अपना जो है। असी बिन पठालोला असी मुश पठालोला असी बिन पठालोला असी मुश पठालोला असी गई छालोला असी शेष पठालोला तो बेंचो एक पोयर ना गए तो बेंचो एक पोयर ना गए। इसका मतलब है सर हमारे जबान भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, हमारे कल्चर भी बहुत संस्कृति बहुत रिच है, तो हम सब मिल के क्यों ना काम करें, हम सब मिल के क्यों ना रहें। लद्दाख के बौद्ध धर्मों ने जहाँ एक ओर अपने को बौद्ध धर्म तथा संस्कृति से जोड़ा है, वही दूसरी ओर अपने आदि संस्कृति को यथासंभव कायम रखा है। लद्दाख के बौद्ध धर्म आर्यों के गीतों के अनुसार तथा अनेक विद्वानों के मत अनुसार हमारे पूर्वज गिलगित के रहने वाले थे। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में वे मध्य एशिया के बाशिंदे थे। गिलगित में जो इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में के मितान है वहां बसे और वहां से क्रमशः लद्दाख पहुंचे। यद्यपि हमारे लिए यह कहना कठिन है कि दार मुख्ता गिलगित के बाशिंदे थे अथवा मध्य एशिया के। हमारे भारत के अधिकांश विद्वानों ने लिखा है कि जो आर्य जो है वो बाहर से। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सब बच्चों को, खासकर जो लार्ज नंबर में यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय ब्रिगेडियर विलास सेना मेडल जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि यहाँ पे आज के सेमिनार में आप पधारिए। तो जैसे ही कल हर्ष शर्मा जी मेरे ऑफिस में आए तो मैं ग्रैंडली उनकी इन्विटेशन का एक्सेप्ट किया और इसीलिए मैं आज आपके बीच हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ आकर और कई नई नई जानकारी प्राप्त हुई। जैसे सबने अपने अपने जो टॉक्स दिए उसमें कई चीज़ें पता लगी, क्योंकि जैसे कि मैं तो लद्दाख से नहीं हूँ, पर ये चीज़ें जब पता लगती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जितने भी यहाँ हैं और जितने भी एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें बताई और खासकर बच्चों का बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया उसके लिए सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस बधाई। और इस तरह के और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे कि मैं ब्रिगेडियर मेहराज जी से बात कर रहा था कि इसको एक एनुअल फीचर बनाया जाए ताकि ये जितने भी आप आगे फाइंडिंग्स करते हो रिसर्च करते हो तो वो इस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आपको जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो। और खासकर इस चीज़ का जो यूथ है हमारा उनको बड़ी अवेयरनेस मिलती है और वो भी इन एरिया में अपने कल्चर को अपने हिस्ट्री को प्रजर्व करने में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि राइट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी जो फोक सॉन्ग्स रोल ऑफ यूथ वल्नरेबिलिटी सारी चीज़ों को टच किया गया जो कि बहुत रेलिवेंट है किसी भी हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो है इन पे फोकस होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन जो इसमें मुझे लगता है कि और बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने देखा कि बताया गया कि काफ़ी बुक्स भी लिखी गई है और टाइम टू टाइम बहुत स्कॉलर्स उन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी। तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे कि ये भी मेंशन हुआ कि हमने अभी डॉक्टर जेल्सन की जो सोसाइटी है इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है। तो हम भी इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से। तो उसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि हम
सब मिलके जो हमारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा कि कारगिल कैंपस से भी और डे कैंपस से भी हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी, तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ भी फोकसिंग ऑन द रिसर्च। और यही यूनिवर्सिटीज का तो गोल भी यही होता है कि यूनिवर्सिटीज आर मेट फॉर अलॉन्ग विद टीचिंग, रिसर्च पे भी फोकस होना चाहिए, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो लोकल लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई 2020, उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी में उसको इम्प्लीमेंट किया, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया, कैंपसेस में इम्प्लीमेंट किया, उसमें अब लोकल लैंग्वेजेस पे बहुत फोकस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत फोकस है, तो इन सब चीज़ों को यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे इंट्रोड्यूस स्लोली स्लोली कर रही है। काफ़ी चीज़ें तो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे मैं अभी दिल्ली गया हुआ था एक मीटिंग में, तो रास्ते में मुझे एक यूजीसी मेंबर हैं वो मिले, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे एक्सपर्ट कमेटी बनी है उसके मेंबर थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उनको रादर इन्वाइट किया कि हमारे आइए आप लद्दाख में और यहाँ भी ये चीज़ें हम डिस्कस करें ताकि हम भी इन चीज़ों पर फोकस करें। तो ये जो भारतीय लैंग्वेज है, जो भी ये जितने भी लोग अभी जैसे बताया गया कि कम लोग होते जा रहे हैं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है जिसपे जितने भी लोग हैं जो इस भाषा को बोलते हैं या इस कल्चर को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए और बहुत सा काम कर रहे हैं, और इवन बुक्स भी प्रेजेंट डे में भी लिखी हैं, डेंसन ने भी बुक मुझे भी प्रेजेंट की थी कुछ दिन पहले, और भी जितने भी कल्चर अकेडमी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तो इनकी डिक्शनरीज भी बन रही हैं, तो विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ताकि हम इस कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। जो भी लद्दाख में हमारे गेस्ट आते हैं जो बाहर से इंडिया से भी इंटरनेशनल भी, हमेशा वो आर्यन कल्चर के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं, वो हमें पूछते हैं कि ये क्या ये प्योर आर्यंस हैं। तो अब मुझे तो जैसे जो सुनी हुई बात होती है इधर उधर से उसी को ही हम बताते हैं उनको, बट आई थिंक कंक्रीट जो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की जाए तो उसको हम वीडियोस के जरिए उसको यूट्यूब में आजकल तो बहुत सारा थ्रू मीडिया बहुत कुछ कर सकते हैं, और आई थिंक वो एक इंफॉर्मेशन जो करेक्ट इंफॉर्मेशन और कंक्रीट इंफॉर्मेशन होगी उसका बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, कोई कहता नहीं, कोई प्योरिटी नहीं है, कोई कहता नहीं है ओरिजिन आर्यन, बहुत कुछ है कंट्राडिक्शन जब भी हम किसी से बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसको कंक्रीट लाने के लिए जितने भी स्कॉलर्स हैं इस जो दर्द के हैं या दर्दी लैंग्वेज भी बोलते हैं, उनको ही एक इकट्ठे होकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर मैं सबको वेलकम करता हूँ यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट करिए, एंड जो भी यूनिवर्सिटी हेल्प कर सकती है, एक सेंटर प्लान है हम कर रहे हैं कि हम सेंटर इसका इनिशिएट करें यहाँ पर। आज का 26th ये अक्टूबर को आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया प्रिजर्व कल्चर ऑफ दर्द हलाले दर्द आर्यन वैली का, ये बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों को, यहाँ का कल्चर जो है अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब ख़त्म होते जा रहे, इसको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए आर्मी का हमारे बहुत थैंकफुल है कि आर्मी ने इसको प्रिजर्व करके मतलब एक्सपर्ट्स को बुलाया, यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाया है ताकि अपना ये आर्यन का कल्चर जो कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे इसको सेव करके रखेंगे। सर तो इसको मस्जिद बचाने के लिए क्या एकदम उठाना है, आप क्या कहना चाहें किस तरह से इसको? हाँ, ये अपकमिंग यूथ को ये अपना कल्चर को सेव करके रखने के लिए कल्चर को यूज़ करना चाहिए सर,
हो सके तो आप टू 12th क्लास तक यहाँ पे आर्यन में ही स्टडी करें, ताकि अपना कल्चर पता चले, इनको ड्रेसअप क्या है, इनका फूड कल्चर क्या है और स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है, इनका दर्द जो आर्यन का एक दर्द स्पीकिंग है, ये बहुत अलग स्पीकिंग है सर, ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं, इनमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते, हिंदी वर्ड्स यूज़ करते ना करें, इसलिए अपना लैंग्वेज का स्पीकिंग ही यूज़ करें सर। आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ये मदद मांगे, क्या कहना चाहेंगे? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत मतलब हेल्प किया है यहाँ के आर्यन वैली में, यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है सर, 12th तक उन्होंने बच्चों को बाहर नहीं जाने के लिए यहीं पे मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ दिया है सर। अभी भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से यह हेल्प करना चाहती हूँ कि और हो सके तो और भी ग्राउंड बनाए, जैसे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े सर। सबसे पहले तो जो इंडियन आर्मी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जो हिस्ट्री एंड कल्चर जो दर्द आर्यन पीपल के संस्कृति को जानने का एक सेमिनार जो ऑर्गेनाइज़ किया, और साथ ही साथ जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता साहब जो है जो वहाँ ले से आके इसको अटेंड किया जो है ना एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये जो एक हमारा जो इलाका है वो LOC बॉर्डर पे पड़ता है जो है ना बटालिक सेक्टर या आर्यन वैली जिसको कहते हैं, तो ये संस्कृति जो है बहुत काफ़ी रिच माना जाता है जो है, तो इस संस्कृति को कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे हम इसको प्रमोट करें, तो यही जो है एक तरीका है कि हम जो है इसमें जो है लोगों से डिस्कस करें, सेमिनार करें, वर्कशॉप करें, या आपको जैसे कि हमने अभी रिसेंटली MOU एक साइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ, ताकि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी इस पे चलाए जो है, तो इंडियन आर्मी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत जो है एक बेहतरीन इनिशिएटिव है इस इलाके के लिए स्पेशली जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे हानू में भी एक हाई स्कूल है और ब्यामा में एक हाई सेकेंडरी है, गरखोन में एक हाई स्कूल है, तो जितने भी स्कूल हैं वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स स्पेशली हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, तो वो जो है सीख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी ज़बान क्या है, तो ये चीज़ें जो है आने वाला नस्ल को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग इसको प्रिजर्व भी करें और आगे ग्लोबल लेवल पे लेके जो है इस कल्चर को जो है बढ़ावा दे। सर बेसिकली मेरा नाम शिवांग लस्कित है और मैं अभी मास्टर कर रही हूँ, और मैं ये सजेशन दूंगी अपनी आर्यन कल्चर को प्रिजर्व करने की, यहाँ पे एज मच एज हम फील्ड कंडक्ट कर सकते हैं एज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट, और हम यहाँ पे इनडेप्थ रिसर्च करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके हम उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम एक इंटरव्यू ले रहे एक अंकल जी का, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड हाँ मैं ये सजेस्ट देना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को फोक लोर एंड फोक सॉन्ग को सुनाई, उनको सुनाई, उनको इंकरेज करें, उनको ये प्रिजर्व करने की, इनको कहें कि इतना इम्पोर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर कि आपने ये मौका दिया। तो यहाँ पर जो सेमिनार हो रहा है, ये सेमिनार है हमारे दर्द आर्य कल्चर पे और उसके हिस्ट्री पे, तो जो इंडस रिवर पे हमारे जो दर्द लोग रहते हैं उनके कल्चर पे ये सेमिनार था। इस सेमिनार में बहुत सारे स्पीकर्स ने पूरा इसका हिस्ट्री से लेके कल्चर से लेके लैंग्वेज से लेके हर चीज़ पे रोशनी डाली और ये मैसेज निकाल के लाया कि ये जो कल्चर है वो थोड़ा सा थ्रेट है इसको, और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। ख़ासकर मेरा टॉपिक था कि जो जवान लोग हैं वो किस तरह से अपने कल्चर अपने लैंग्वेज उनको बचा सकते हैं, तो इसमें अच्छा मैसेज गया, और क्योंकि जो ऑडियंस है वो सारे यूथ थे तो ऑडियंस के तरफ तो अच्छा मैसेज गया है। इसको बचाने के लिए आपने क्या क्या सजेशन दे दिया? जी देखिए, जो बचाने के लिए तो बहुत सारे सजेशंस दिए, खासकर मेन जो सजेशन मैंने दिया है कि यूथ ऑफ रोल ऑफ यूथ, यानी कि जवान लोगों का क्या इसमें रोल हो सकता है। जैसे कि आपका जवान लोगों का अगर मैं रोल बताऊं, तो बच्चे लोग आजकल हमारे पास यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे अभी फेस्टिवल चल रहे हैं, तो बच्चों को यूथ को ये कोशिश करना चाहिए कि इनके साथ इंगेज हो जाए, यानी कि हमारे कम्युनिटी के साथ इंगेज रहें, सॉन्ग्स को डॉक्यूमेंट करें, गानों को डॉक्यूमेंट करें, आपके जो कल्चर है उन सब को डॉक्यूमेंट करें, ताकि क्या हो हम जो इसको आगे बढ़ाने वालों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे बढ़ाना है। साथ ही साथ बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, कल्चर पर बात कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, ये सारा जो है वो करेंगे तो हमारे तरफ से मदद होगा। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने मतलब सजेशन मैंने दिया था कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्योंकि
जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे लोकल आर्मी की तरफ से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा लग रहा था वो है कम्युनिटी रेडियो, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी में अभी क्या हुआ है, जो पहले पीपल टू पीपल बातचीत था वो कम हो गया है। द्रास में मैंने देखा, बहुत मैं फॉलो करता हूँ, द्रास वालों को कम्युनिटी रेडियो मिल गया, उनका अपना एक पहचान मिल गया है, एक ज़बान मिल गया है, जो हमारे को हमें भी देंगे तो हमारे लोग उसको बेहतरीन की तरफ यूज़ करेंगे। ये सारा काम डॉक्यूमेंटेशन, गानों का, स्टोरीज़ का, ये सारा इस कम्युनिटी रेडियो से पूरा हो सकता है। ये एक मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है। दूसरा मैंने ये कहा कि जो हिल काउंसिल या हमारे जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, कल्चर एकेडमी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनको सस्टेनेबल वे में हमारे कल्चर्स को छेड़छाड़ करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भाई क्या रखना है और क्या इनको मॉडर्निटी देना है। तो इस पर बातचीत होते रहेगा तो लोग इस पर काम करेंगे। दिस सेमिनार इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी विच इज़ वेरी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, एंड इफ अ कम्युनिटी इज ज्योग्राफी आइसोलेटेड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मॉडर्निटी, द कॉन्सेप्ट लाइक मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन टू रीच इन अ प्लेस लाइक दिस। सो टूडे द सेमिनार इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट सेज दैट कि मार्जिनलाइज डू मैटर, द पीपल ऑफ आर एन वैली who are geographically isolated but still they do matter, and this seminar is one of the example where we are talking about different things regarding their concerns regarding their language, concerns regarding their folklore, concern regarding the conservation, a lot we are talking about today. So today this is all about Aran Valley, and what I have observed that people need to know more about, people need to learn more about their history, their background, and they should be more focused towards education, because that will not just make them bring out on a global map but also take them away from the section of marginalization, because this community is a very rich community and they have very rich and very nice, I would say very incredible culture, and the way they are maintaining it, the way they are carrying it as their honor, I believe that if attention is paid to them enough on all the levels, I believe that they're gonna do a lot good, especially in the line of education, and that will do uplift their situation. थैंक यू। आज का जो सेमिनार है इसका विषय है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ पीपल ऑफ लद्दाख, जो कि पूरे लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये जो आर्यन कल्चर है बहुत मशहूर है, और ये धीरे धीरे इसको ख़त्म होते हुए देखकर आर्मी और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा अचीना रॉक आर्ट एंड लिविंग म्यूजियम नाम से मेरा एक ट्रस्ट है जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, तो हम दोनों की कोलेबोरेशन में जो है आज का सेमिनार हो रहा है ताकि बच्चों में जागरूक हो अपने कल्चर को, संस्कृति को बचाने के आने वाले नस्लों के रखने का। सर तो जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किए गए, प्रेजेंटेशन हुआ, तो इसको प्रदर्शन के लिए क्या आप एडवाइस देंगे? जी यहाँ पर जो है कुछ लद्दाख यूनिवर्सिटी लेह कैंपस, लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस दोनों से पार्टिसिपेंट हैं, और यहाँ पे चीफ गेस्ट जो है हमने वीसी साहब को बुलाया था, और यहाँ पे हमने गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह को बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इसमें जो है स्पीकर्स चार पांच जो थे वो मुख्तलिफ फील्ड में होल्ड रखते थे, जैसे आर्यन वैली का जो फोक सॉन्ग्स है उसमें लुंडक दोरजे जी ने अच्छी तरह से उसको होल्ड भी है, तब उसने प्रेजेंटेशन दिया उसमें, और इसमें कल्चरल रिलेटेड जो फोक सॉन्ग का क्या इम्पोर्टेंस है, इसी तरह से छवंग जलसन जी ने लैंग्वेज पे, आर्यन लैंग्वेज जो है ना सिर्फ आर्यन वैली बल्कि हमारे दरास साइड में भी शीना लैंग्वेज है जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है, मेरे रिसर्च मेरे बुक में भी मैंने दिया हुआ है कि द्रास का जो शीना लैंग्वेज और यहाँ के आर्यन लैंग्वेज का सिमिलरिटीज़ कितने वर्ड्स मिलते हैं वो सारा दिया हुआ है। तो इसी तरह से अभी जो नवंग सराफ जी ने प्रेजेंट कर रहा है यूथ का कितना रोल है, आप आने वाले जो यूथ हैं उनका क्या रोल है इस
डिस्टिंक्ट आर्यन कल्चर को बचा के रखने का, इस पे हम बच्चों पे इसके जोर डाल रहे हैं कि इसको बचा के रखें।